आस्था का महापर्व छठ को लेकर कोयलांचल के विभिन्न नदी घाटों की साफ सफाई में लोग जुट गए हैं। निरसा विधानसभा के चिरकुंडा स्थित बराकर नदी घाट पर चिरकुंडा नगर परिषद के निवर्तमान उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, वार्ड पार्षद एवं स्थानीय लोगों ने सोमवार को बराकर नदी घाट का निरीक्षण किया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए श्री सिंह ने बताया कि कोयलांचल धनबाद जिला का यह सबसे बड़ा घाट है। यह घाट 3 किलोमीटर लंबा घाट है और यहां छठ पर्व के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु एवं छठ व्रतधारी भगवान भास्कर को अर्घ देने आते हैं। पर्व के दौरान किसी भी व्रतधारी एवं श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, जिसे लेकर छठ घाटों का निरीक्षण किया करने आया हो। 2 दिन पूर्व चिरकुंडा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप पासवान से वार्ता हुई। वार्ता में उन्हें अवगत कराया गया कि छठ पर्व के दौरान किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना है, उन पहलुओं पर कार्य करने की अपील की गई है। पिछले दिनों बराकर ब्रिज पर बगल में नवनिर्मित ब्रिज निर्माण कराई जा रही है, जिसके कारण नदी घाटों को बदसूरत बना दी गई है। पीडब्ल्यूडी से भी आग्रह करूंगा कि आस्था के महापर्व को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए सुगम रास्ता बनाने की पहल की जाए। आपको बताते चले कि आस्था के महापर्व को लेकर बराकर नदी घाट में काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है और क्षेत्र में सभी सेवा संगठनों द्वारा बेहतर कार्य किया जाता है, चाहे वो साफ सफाई की बात हो या विद्युत सज्जा की बात हो। सभी सामाजिक संगठन छठ पर्व के दौरान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। चिरकुंडा नगर परिषद का भी इस पर्व में सराहनीय योगदान रहता है। झारखंड प्रदेश का धनबाद जिला का चिरकुंडा है और बराकर नदी का तट है। यह 3 किलोमीटर लंबा घाट है। रेल पुल से लेके ये पैदल पुल से 1 किलोमीटर आगे तक यहाँ पर सुंदरनगर घाट, थाना मोर घाट, रेल घाट, नदी धौरा घाट, ऐसे अनेक घाट है जहाँ छठ व्रती आकर छठ पूजन करती है। और यह नदी बहुत दूर से निकलकर आती है और इस छठ पर्व के अवसर पर हम लोगों ने अपने जो काउंसिलर हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं, जो वॉलंटियर हैं, उनके साथ आकर इस घाटों को देखा है। यहाँ चिरकुंडा सेवा समिति के लोग, फिर आपको सुंदरनगर में सुंदर घाट के लोग, यहाँ पप्पू रजक, भोला पसवान, ये जितने वॉलंटियर लोग हैं, वॉलंटियर लोग तो सेवा का कार्य करते हैं, लेकिन नगर निकाय की सरकार का भी कर्तव्य है। हमने कल यहाँ के स्कूटी अफसर संदीप पसवान जी को कहा है, आज उन्होंने अपने सिटी मैनेजर जी को भेजा था, हमने उनको भी बताया है कि क्या काम करनी है आपको, कौन काम से अच्छा दिखेगा। यह स्वच्छता का पर्व है, सफाई का पर्व है, प्रकाश का पर्व है और सूर्य देवता का पर्व है। सूर्य देवता ही शक्ति देते हैं, प्रकाश देते हैं, शरीर में ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि नगर निकाय के सरकार से, जिला प्रशासन से, कि आप व्यवस्था बनाओ और अच्छा से अच्छा काम करो, जिससे छठी मैया आपको भी आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखे। और यह जो पीडब्ल्यूडी का पुल बन रहा है, पुल टूटा था, बन रहा है, लेकिन यह क्या है कि थोड़ा सा ऐसा व्यवस्था बना दिया है कि नदी को तोड़ मरोड़ दिया है। हम जिला प्रशासन और आपके माध्यम से उनको भी कहना चाहेंगे कि आप इसको व्यवस्था को ठीक कीजिए। चिरकुंडा नगर क्षेत्र में बहुत सारा घाट है, उन सभी जगहों पर नगर निकाय सरकार को अपने कर्तव्य बोध के साथ अच्छी काम करनी चाहिए। कल से हम लोग इस क्षेत्रों में जो छठ व्रती करेंगी उनके बीच गेहूं प्रसाद बनाने के लिए, जो ठेकुआ बनता है, ठेकुआ बनाने के लिए गेहूं और एक नारियल का वितरण हम लोग करना प्रारंभ करेंगे और वो कार्यक्रम भी कल सुबह से सेवा और समर्पण के माध्यम से हम लोग चलाने का काम करेंगे।